दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर्मल्डिहाइड रीजन्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पीछे वाली वीडियो में हम लोगों ने नायलॉन्स के बारे में स्टडी किया था। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स का तीसरा आपका ये पॉलीमर्स है जिसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड रीजन्स, एंड दिस इज अगेन हाईली क्रॉस थर्मोसेटिक प्लास्टिक नेटवर्क पॉलीमर्स। एंड सम ऑफ द पॉलीमर्स इन दिस क्लास इज बेकेलाइट्स, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। सो तीन तरह के हम फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग उसमें स्टडी करेंगे, बेकेलाइट, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। सबसे पहले फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रीजन जिसको हम बेकेलाइट भी कहते हैं, तो इस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन दिस फॉर्मल्डिहाइड रीजन्स। इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक एंड देर फैन फिनॉल। इसके लिए हमें फिनॉल इज ट्रीटेड विद फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। इसमें हम दोनों यूज कर सकते हैं, आप एल्कली भी कर सकते हैं और एसिड भी कर सकते हैं। दोनों के मीडियम में ये एडिशन रिएक्शंस इट विल अकर्स ऑन फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में एडिशन रिएक्शन होता है और उसके बाद ये बन जाता है ऑक्सीहाइड्रोमिथाइल मिथाइल फिनॉल या फिर पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। तो यहाँ आपको रिएक्शन दिया हुआ भी है। सो ये आप देख सकते हो, ये फिनॉल से फॉर्मल्डिहाइड आप बेस भी ले सकते हो, एसिड ले सकते हो। तो इन दैट केस आपको प्रोडक्ट मिलेगा ओ हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पारा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। इसका जो मैकेनिज्म हो, ये कैसे ये प्रोडक्ट हुआ, सो लेट अस सी दिस मैकेनिज्म। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। सो नाउ यू कैन सी हियर, लेट अस सी सीन अल्कलाइन मीडियम। सो इफ यू टेक द अल्कलाइन मीडियम, सो दिस द फेनॉल, फेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ बेस, सो बेस विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम हियर, इट विल मेकिंग द फेनॉक्साइड आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर कंडेंस। नाउ दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स डाउन, दिस बिकम्स योर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। सो इन दैट केस इज वेरी गुड ग्रुप इज देयर, माइनस चार्ज इज देयर, सो वॉट विल हैपन, दिस विल द पाई इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी रिएक्टिव, ठीक है। तो आफ्टर रिएक्शंस इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, एंड यहाँ पर तो सीओ के बीच में तो दे जो पोलर मॉलिक्यूल पोलारिटी इज देयर बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ऑक्सीजन गेट द माइनस चार्ज। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा, इट विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड यू विल गेट द दिस प्रोडक्ट। सो यहाँ पर ओ माइनस है एंड देन सी एच टू ओ एच एंड प्लस चार्ज है, सो दिस हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड, सो इट विल गोज टू नियस्ट ऑक्सीजन, यहाँ पर चला जाएगा और इट बिकम्स योर पॉजिटिव चार्ज। फिर अगर इफ यू गिव द वाटर, सो वाटर विल टेक द प्रोटॉन फ्रॉम हियर एंड ओ एच इज अगेन बैक टू द सॉल्यूशन एंड यू विल गेट द ओ मिथाइल फिनॉल। सो दिस इज द योर बेसिक मीडियम मैकेनिज्म। नाउ वी कैन सी इन एसिडिक मैकेनिज्म, सो इन एसिडिक मैकेनिज्म व्हाट हैपेंस, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। सो फर्स्ट द एसिड विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन, सो दिस ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा प्रोटोनेटेड हो जाएगा, यू विल गेट एंड कार्बन बिकम्स योर इलेक्ट्रोफिलिक। सो ऑब्वियसली द पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस रिंग विल अटैक ऑन दिस कार्बन, सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट सी एच टू ओ एच, यहाँ पर सी एच टू ओ एच बन जाएगा, इट विल दिस बिकम्स योर पॉजिटिव चार्ज एंड देन अगेन प्रोटोन विल बी इट इज गोइंग टू सॉल्यूशन। जब डी प्रोटोन वेन इज प्रोटोनेटेड, सो डी प्रोटोन इज ऑल्सो कंपल्सरी, सॉल्यूशन में प्रोटोन चला जाएगा, सो हियर इज माइनस एच प्लस एंड अगेन द रिंग विल गेट एरोमेटाइज एंड दिस कंपाउंड इज ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। सो यू हैव सीन इन एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस। नाउ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस दिस ओ मिथाइल फिनॉल, वी कैन ऑल्सो गेट अ पारा मिथाइल फिनॉल ऑल्सो, दे आर बोथ पॉसिबिलिटीज। सो वैन यू टेक द फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड इज टू वन इज टू वन रेशियो, अगर आप एक इज टू एक रेशियो लेते हैं, विल गेट द ऑर्थोन पारा मिथाइलोल फेनॉल इन द दिस रेशियो। बट वैन यू टेक द वन इज टू रेशियो, तो आपको ऑर्थो और पारा दोनों पर डाई मिथाइलोल का अटैक होगा। एंड अगर आप लेते हैं ये वन लेते हैं या तीन का रेशियो लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, तो यू विल गेट द दिस प्रोडक्ट दैट इज अ 2,4,6 ट्राई मिथाइल फेनॉल। तो इस तरह से फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रेशियो वाइज रिएक्शन होता है। Now we have seen the mechanism. Now this orthohydroxy benzyl alcohol and parahydroxy benzyl alcohol. So these are the monomeric molecules. These are actually monomeric molecules and this will undergo condensation polymerization with the loss of water molecules to form the almost linear intermediate chains. Yahi chains banayenge and that chains is called as novalac. So kahte hain novalac, kahte hain novalac, and with the phenol rings are held together by the CH2 bridges at ortho and para position to the phenol ring. Dekhi yahan par diagram ke sath presented hai. So this is the hydroxy benzyl alcohol aur yahan par yahan OH and hydrogen is ke ortho position pe it is condensed to form water molecule, it will form the linear chains and you will get like this chain. So this chain is called as the novalac, and novalac is the semi polymer used in paints. It is also a sticky material with more sites available at ortho and para positions on the rings to condense
since it is TK media, so its para positions are, that is also very very reactive. So at ortho and para position of the rings to condense form with more of monomeric or oligomer molecules to form the three dimensional network polymer on further heating. So ye novolog hai, isko fir se formaldehyde ke sath reaction karane se fir se ye dusre polymer ban jata hai. That polymer is called as the bakelite. Let us see how bakelite is formed. We will see this mechanism. So this is a novolog. Novolog at partha at para position they are reacting. So this is ortho and this is a para position, so with the help of formaldehyde, so you will get this product that is called cross link polymer. So we will see how this reaction is going on. So this is what I drawn in a proper manner. So this is, you can see the, this is the ortho of yahan par phenol bhi hai, methylol phenol is there, and this is the formaldehyde. So formaldehyde is reacting with this hydrogen, and again you will get the CH2OH. Again CH2OH, here you will get a CH2OH. So OH and hydrogen will be condensed to form this molecule. Similarly, this is the novolog, this is the novolog, and formaldehyde reacting between here also, here also, here also. So wherever if you put here, so you will get the chain here also, here also, here also. And if you won't put formaldehyde, you won't get the chain. Just like picture I told you, here CH2 was, here CH2 was, here not. So if you use the formaldehyde, you will get the chain. If you are not using the formaldehyde, you won't get the chain. So aise karke ye chain ki series बढ़ती चली जाती है, इस direction में भी, इस direction में भी, और इस direction में भी, इस direction में. So it becomes a proper bakelite. So bakelite is an example of step growth of polymerization, and in alkaline solutions it forms the phenoxides, which is a better nucleophile, जिसे मैं बता चुका था, and to attack on the carbonyl-carbon, and acidic condition में carbonyl oxygen get protonated and it will attack on the carbonyl-carbon is facilitated. So इसके मैं diagram दिखा चुका हूँ. As since three positions in each phenol molecules, phenol mein jo teen positions hain, they are also susceptible to attacks. So initial acid reaction may also form the dihydroxy methyl phenol. Ye bhi aapko diagram mein dikha chuke hain. This is the main region for the cross linking, and final product contains the many cross links forming the three dimensional structures. So higher the amount of formaldehyde, jitna jyada formaldehyde lenge utna cross links ke chances बढ़ जाएंगे. अब बेकलेट जो होते हैं उसमें कुछ बेकलेट होते हैं सॉफ्ट बेकलेट होते हैं, कुछ होते हैं आपको हार्ड बेकलेट होते हैं, कुछ सल्फोनेटेड बेकलेट होते हैं. सॉफ्ट क्या होते हैं, अगर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का कम हो गया तो वो सॉफ्ट बेकलेट कहेंगे. दिस इज यूज्ड एज ए बाइंडिंग ग्लू फॉर द लेमिनेटेड वुडन प्लैंक्स फॉर वार्निशेस लैक्रस. इफ द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज मोर दे विल फॉर्म द हार्ड बेकलेट व्हिच इज हाईली कॉस्ट, एंड ऑब्वियसली दीज आर थर्मोसेटिक प्लास्टिक पॉलीमर्स. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिकल गुड्स लाइक अ सॉकेट, स्विचेस, प्लग्स, even handles for the cooking utensils, fountain pens, barrels, combs, and then sun mica, table tops, and many other part other articles. Even sulfonated bakelites are used as the ion exchange agent for the softening of hard water. So ye aapke soft bakelite hai, hard bakelite hai, sulfonated bakelites hai. Ek paint mein use hota hai, ek aapka electrical switches mein use hote hain, aur ek hamara hard water mein as a ion exchange agent ki tarah kaam karte hain. So now we'll see next formaldehyde resin, that is called melamine formaldehyde resin. So melamine formaldehyde resin, it consists of three NH2 groups add on formaldehyde. Formaldehyde mein three NH2 groups ko jod ke banaya jata hai hydroxylamine, and at one or more position which subsequently jo baad mein fir se condense hoke they themselves to form a highly cross-linked networks, which is called thermostatic plastic polymers and called as melamine formaldehyde resin. कैसे होता है देख लीजिए, ये मेलामिन का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमें ये लेना पड़ेगा. इसको कहते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन वन है, टू है, थ्री, फोर, सिक्स नाइट्रोजन, देख सकते हो नाइट्रोजन के अल्टरनेट पोजिशन पे है. नाइट्रोजन अमीन अल्टरनेट पोजिशन पे है, ये बेंजीन रिंग्स है. दिस इज अ मेलामिन. इसको टू, फोर, सिक्स ट्राई अमीनो, वन, थ्री, फाइव ट्राइजिन कहते हैं, एंड दिस इज अ फॉर्मेलिटी. सो नाइट्रोजन के पास पे लोन पेयर है, it has lone pair. So this lone pair can attack on this carbon, and obviously the carbon is polar, so this is an electrophilic carbon, so it can attack, and after attacking you will get this product that is called melamine formaldehyde hydroxylamine. So isme se ek hydrogen nikal ke yahan par shift ho jayega, it is protonated by the oxygens, and this becomes your resin intermediate. Aur uske baad fir se kya hoga ki yahan par OH hai, ab ye baad mein condense hona shuru ho jayega ye, aur condense hone ke baad yahan se OH aur ek aur structure ke sath mein yahan se hydrogen, to yahan se bhi condense ho sakta hai, yahan se bhi condense ho sakta hai, yahan is tarah se it becomes your cross linked polymers. To condensation aapko yahan se nikalne ke baad you will get the this chain is free, and you will get the melamine formaldehyde. So if you take the n molecules, to yahan n molecules se aapko teen jagah
तरह से आपको हाइड्रोजन निकल जाएंगे, सो यू विल गेट द एन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. Properties, very hard cross-linking thermosetting polymers, and once the polymers one thermoset, एक बार thermosetting हो गए तो उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा. Like cup plates, जो हम cup बनाते हैं, plates बनाते हैं, if you drop this cup plates, they won't break, they are unbreakable. ठीक है, आप देखे होंगे shopkeepers वगैरह, आप shop में गए होंगे तो they are saying that these are the melamine polymers, and if you break from the top positions, they won't break. तो आप shop में जाके इसकी practice भी कर सकते हैं. यूरिया, नेक्स्ट वील सी द थर्ड प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड यूरिया फॉर्मेलिहाइड रेजिन. सो मेलामिन फॉर्मेलिहाइड के बाद में यूरिया के साथ फॉर्मेलिहाइड कमी से कैसे है? तो हम लोग एक एक देख रहे हैं. फॉर्मेलिहाइड कैन कंबाइन विद द फेनॉल ऑल्सो, फॉर्मेलिहाइड कैन कंबाइन विद द मेलामिन ऑल्सो, एंड फॉर्मेलिहाइड ऑल्सो कंबाइन विद द यूरिया ऑल्सो. इन केस ऑफ यूरिया, यूरिया इज एडिंग ऑन टू फॉर्मेलिहाइड. यूरिया में दोनों तरफ से फॉर्मेलिहाइड की एडिंग होगी, और यू हैव रिक्वायर द बेसिक एटलीस्ट एंड अमोनिया टू फॉर्म द डाई मिथाइलो यूरिया. यहाँ से डाई मिथाइल यूरिया बन जाता है, एंड दिस डाई मिथाइल यूरिया इज वाटर सॉल्युबल कलरलेस प्रोडक्ट. कोई भी कलर नहीं है, एंड ऑन हीटिंग अंडर हाई प्रेशर, अंडर प्रेशर विल गो द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू गिव द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर यूरिया, इसके साथ में दो फॉर्मेलिहाइड है, तो इसके लोन पेयर्स कार्बन पे गए, इसके लोन पेयर्स दूसरे वाले कार्बन पे चले गए, एंड इट विल गो अंडर एडिशन रिएक्शन, एंड यू विल गेट द एन एन डाई मिथाइलो यूरिया, राइट. सो दिस इज एन एन डाइमिथाइल यूरिया, यहाँ पर दोनों तरफ से फॉर्मेलिहाइड जुड़ गया. नाउ सिंस देयर आर मोर हाइड्रोजन एटम्स और नाइट्रोजन एटम्स, अब नाइट्रोजन पे एटम्स पे काफी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो ये तो कंडेंसेशन में जाएगा ही, ये भी कंडेंसेशन में जाएगी. अगर हम एन एन डाइमिथाइल यूरिया एक इधर लगा दिए, एक इधर लगा दिए, तो इधर से भी चेन बनेगा, इधर से चेन बनेगा, और एक और हम इधर लगा दें, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन प्रोटोनेट कर सकता है. नाइट्रोजन पर जितने भी हाइड्रोजन है वो प्रोटोनेट कर सकते हैं, ये भी प्रोटोनेट करेंगे, ये भी प्रोटोनेट करेंगे, तो एक चेन इधर से बन सकती है, एक चेन इधर से बन सकती है. तो सिंस देर आर मोर हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन एटम, सो दे कैन ऑल्सो कंडेंस विद द ओएच ग्रुप्स एंड ऑन सी एस टू ओ एच टू फॉर्म द क्रॉस लिंक पॉलीमर विद सी एस टू ब्रिज. तो उसमें सी एस टू ब्रिज लग जाएगी, एंड इफ यू टेक द एन मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस वन, सो यू विल गेट द दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ चेन. सी है, तो एक लॉन्ग चेन से बीच में सी एस टू है, एक लॉन्ग चेन है बीच में सी एस टू, ऐसे करके ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बन जाता है. आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से धीरे से फिर से आप चला के देखिएगा, और जस्ट गो थ्रू वन बाय वन दिस ऑल थिंग्स प्रॉपरली, सो यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग्स. वेरी इजी चैप्टर. प्रॉपर्टी एंड यूजेस, सो लेस पॉलीमराइज रेजिन इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है, वाटर कलरलेस वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स. सो इट ऑल्सो यूज एज ए ग्लू फॉर पेपर फैब्रिक एंड वुड. ग्लू की तरह काम आता है, अगर इसको क्रॉसिंग कर देंगे तो बिकम्स ए कलरलेस एंड इनसॉल्युबल. क्रॉसिंग करने पर यह इनसॉल्युबल हार्ड पॉलीमर बन जाएगा, विच रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड सॉल्वेंट, विच कैनॉट बी रीमेल्टेड. सो दे आर सुपीरियर टू बेकलेट. बेकलेट से काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज दे आर कलरलेस इन नेचर, सो दे आर यूज्ड इन लेमिनेशन. अब लेमिनेशन देखे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग लेमिनेट्स बनाते हैं, जैसे फॉर्मिका, किचन वेयर, सो या अदर्स. सॉल्यूशन फॉर्म में दे आर यूज टू मेक द कॉटन श्रिंक रेजिस्टेंट, कॉटन को श्रिंक होने से रेजिस्ट करता है. सो दिस इज द यूज ऑफ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. Now we will see some special kind of reagents which is not actually formaldehyde reagents. Some other reagents are there. These are under categorized epoxy reagents, polyurethanes, and polycarbonates. So these are some reagents. So this also important for the purpose of entrance examination. Let us see what are the epoxy reagents. So these are the addition polymers obtained for polymerization for ethylene oxide. So you have to take ethylene oxide, like ether, cyclic ether, and the derivatives. आप ये ले सकते हैं या फिर इसके डेरिवेटिव ले सकते हैं. इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और इथिलीन ग्लाइकोल एंड सोडियम एज ए कैटलिस्ट. इसमें आप देख सकते हो देयर आर थ्री स्टेप्स, इनिशिएशन है, प्रोपागेशन एंड, सो दिस इज अ बेस. ये आपने बेस लिया, बेस विद अटैकिंग ऑन दिस कार्बन, ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव, ये आपको टूट जाएगा, इट बिकम्स ए अल्कोक्सी एनायन. उसके बाद इसकी प्रोपागेशन होगी फिर से इथिलीन ऑक्साइड के साथ में, तो इट विल रिएक्ट विद इथिलीन ऑक्साइड, सो इट बिकम्स योर पॉलीमर अल्कोक्सी एनायन. तो ऐसे यहाँ पर फिर से अटैक करेगा, फिर से ये फ्री हो जाएगा, एंड यू गेट द एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर बन गया आपका ये प्रोपागेशन, एंड देन हाउ यू कैन टर्मिनेट, डेफिनेटली यू कैन टर्मिनेट बाय, इफ यू आर द ग्रोइंग चेन्स मीन्स टर्मिनेट, इफ यू कम, इफ यू गेट द एच प्लस साइन, कोई एसिड आ जाएगा, तो एसिड आने के बाद में चेन स्टॉप हो जाएगा, एंड यू विल गेट द पॉलीमर्स. दिस पॉलीमर्स आर वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स एंड वाइडली यूज्ड इन केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, लुब्रिकेंट्स, कहीं भी यूज करता है, कॉस्मेटिक बहुत ज्यादा यूज होता है. बट थर्मोसेटिक पॉलीमर्स कैन बी प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ ईपी क्लोरोहाइड्रिन. आप ईपी क्लोरोहाइड्रिन एंड बीस फेनॉल ए के साथ भी आप थर्मोसेटिक पॉलीमर्स इसकी बना सकते हैं, इसकी इथिन ऑक्साइड की.
So in presence of a base, अब base के presence में क्या होगा आपका कि जो sodium hydroxide है it generates an nucleophile nucleophile phenoxide ions which then attack on the peroxide epoxide rings and followed by the loss of HCl into regenerate the epoxide ring. कैसे होता है देखिए, एक bisphenol A है, ठीक है, इस बेस पर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया तो सबसे बन गया ये एनायन बन गया. अब ये एनायन आप ईपी क्लोरोहाइड्रिन पर अटैक कर सकते हैं. ये ईपी क्लोरोहाइड्रिन है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इथिलीन ऑक्साइड देखा था. तो ये आपको क्लोरोहाइड्रिन है. अब ये जो एनायन है ये अटैक करेगा किस पर, इस पर लिखा यहाँ पर अटैक करेगा. तो जैसे यहाँ पर ये पूरा के जो निगेटिव चार्ज है यहाँ अटैक करेगा, सो यू विल गेट द होल प्रोडक्ट लाइक दिस वन. सो ईपी क्लोरोहाइड्रिन अटैक करने के बाद दिस इज द होल इज लाइक दिस एज इट ऑल. ये एनायन है यहाँ पे हो गया और अटैक करने के बाद ये हो गया आपका सी एच टू, ये रिंग ओपन हो गई सी एच टू सी एस सी एल और सी एल फिर सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये एन ए सी एल बन जाएगा एंड यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट दिस वन. तो यहाँ से आप देख सकते हो फिर से जो ये यहाँ पर जो एनायन है, एनायन विल अटैक ऑन दिस सी एच टू एंड सी एल विल गो आउट एंड यू विल गेट द अगेन इपोक्साइड रिंग. इपोक्साइड रिंग का मतलब है अगेन इट कैन फॉर्म्स द फर्दर प्रोडक्ट. तो फिर से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद अगेन यहाँ पर तो ये बेस क्या इसका हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन लेने के बाद फिर से सेकेंड आपको ये ईपी क्लोरोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करने के बाद में फिर से यहाँ से भी चेन की एक्सटेंशन हो जाएगी. तो ये आपका दो दो फिर से बन गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. अब यहाँ से फिर से ये रिएक्शन आगे बढ़ सकता है. इस तरह से ये क्या बन जाती है, पूरा पूरा एक पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ऑल्सो योर इपॉक्सी रेजिंस. So this is further attacked by the more of bisphenol A and subsequently by EP chlorohydrin. So पहले bisphenol A और फिर EP chlorohydrin. इसमें दो benzene rings और दो methyl groups और दो phenols थे and it forms a linear polymers and then it can be again converted into cross polymers by adding the cross linking agent like dimethylaline triamine. Like ये आप देख सकते हो. तो इस तरह से ये epoxy reagents की बहुत बड़ा डोमेन है. सो दिस रीजन आर ऑल्सो एक्सलेंट एडहेसिव्स, एडहेसिव्स में काम आते हैं. दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फ्लोरिंग एंड लेमिनेशन. तो लेमिनेशन में भी इसके काफ़ी यूज होता है. नाउ वी सी द नेक्स्ट स्पेशल क्लास ऑफ रीजन दैट इज कॉल्ड पॉलीयूरेथेंस. तो पॉलीयूरेथेंस भी क्या है, इट इज ऑल्सो एन एस्टर ऑफ कार्बमिक एसिड. ये कार्बमिक एसिड का ही एस्टर है. देखिए आर एन एच एंड सी ओ एच, सो एन एच में एक तरफ नाइट्रोजन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तीसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है. ये इसी को ही कहते हैं कार्बामिक एसिड. इसी के एस्टर बनाना है, उसी एस्टर को कहेंगे यूरेथेन. और जब उसका पॉलीमर्स बन जाएगा तो कहेंगे तो पॉली यूरेथेन. तो पहले ये कार्बामिक एसिड लिया. सो इनफैक्ट द कार्बामिक एसिड साथ दिस आर अनस्टेबल, काफ़ी अनस्टेबल होता है. तो हम सिंपल हीट ही कर देंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगा एंड बट अपॉन एस्टिफिकेशन हीट कर देंगे तो इट बिकम्स योर अमीन्स. ठीक है, कार्बामिक को हीट कर देंगे तो इट बिकम्स अमीन्स. बट इनको हम जब रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ में सो इट बिकम्स योर यूरेथेन. So you can get the urethane like this one. This is the this is the RNHCO. This is the carbamic acid. And in carbamic acid, if you are reacting with the alcohol, it will form the directly urethane. Urethane is ester. You can see the RNH. और यहाँ से OH और यहाँ से अल्कोहल का हाइड्रोजन एंड इस कार्बामिक का OH. So ये कंडेंस हो जाएगा, यहाँ से पानी बाहर हो जाएगा और यहाँ से आपको निकल जाएगा पानी, वाटर विल आउटसाइड RNHCO. So COCH is the ester linkage. ये हो गया आपका एन एस सी ओ इज अमाइट लिंकेज एंड यहाँ पर हो गया यूरेथेन में ये सी ओ आज एस्टर लिंकेज. यहाँ पर दो तरह के लिंकेज आपको नजर आ रहा है, अमाइट एंड एस्टर दोनों एक साथ, इसलिए उसको यूरेथेन कहा जाता है. इवन यू कैन यूज द ऑर्गेनिक्स आइसोसाइनेट्स, आइसोसाइनेट्स में भी अल्कोहल का एक्स्ट्रा रिएक्शन हो जाएगा. सो आर एन यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको ओ एच विल अटैक ओवर हाइड्रोजन मीटर. सो यहाँ पर एडिशनल रिएक्शन इसका हो जाएगा एंड यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट. Now, what is the function of polyurethane? It is an addition copolymers of diol and diisocyanate, and obviously this is a thermoplastics. This can be also diols can be as simple as ethylene glycol, some low molecular weight polymers, जैसे ये हो गया आपका CH2OH groups at the ends, and it also called as a pre-polymer. इसको हम pre-polymers भी कह सकते हैं, इसका molecular weight 1000 हो सकता है. सो डाई आइसोसाइनेट इज जनरली टॉलबिन 2,4 डाइसाइनेट. यहाँ आप देख सकते हैं ये डायोल है, यहाँ पे टॉलबिन 2,4 डाइसाइनेट्स है. तो इस केस में भी आपको इसका ओएच का एक साथ कम्बिनेशन हो रहा है, ओएच का एक साथ कम्बिनेशन हो रहा है. तो आफ्टर कम्बिनेशन यहाँ पर ये बन जाएगा प्री पॉलीमर बन जाएगा एंड दिस प्री पॉलीमर इज कॉल्ड एज पॉली यूरेथेन. तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, सो यू विल अंडरस्टैंड.
And this actual structures and properties of urethanes, it depends upon the nature of pre-polymer. Pre-polymer ka nature par depend karta hai, which may itself be a polyester with CH2OH and N groups or some other terminal diol. Next we'll see the polyurethane foam. So polyurethane foams kya hota hai? It is produced by the small amount of water during the polymerization. So water is added to the isocyanate groups, isocyanate mein water addition ho jati hai and forming the carbamic acids, which being unstable, and they decompose to give decompose to release the CO2, and this CO2 bubbles out through the viscous liquid and form the foam. So CO2 jab bahar nikalta hai to foam ban jata hai. The amine does react with this isocyanates to form the urea linkage and chain continue. So amines hai, isocyanate hai, ye ban jata hai aapka urea linkage, aur iske dauran mein CO2 bhi aapko decompose hote hai. Also, you can use the low boiling liquid like freon 11, which vapors are responsible for foam formation. Foam formation ke liye CO2 ke alawa freon 11 bhi use hota hai. The degree of cross linkage can be increased by using the polyalkoxes instead of diols. Or cross linkage degree ke liye badhane ke liye, if you want to increase the cross linkage, you can use the polyalkoxes. Property uses, so aap dekh sakte ho. Polyurethanes, they have low degree of cross linkage, so ye soft elastic hote, they are used to making stretchable spandex, lycra lamka fabrics banate hain. Polyurethanes are used to make the spandex or lycra fabrics, so which is used for the close fitting sports clothing, swimsuits and leotards, etc. So PUF is a high degree of cross linking, it is light in weight but very strong, used in thermal insulation in buildings, machines, automobiles, ice box, etc. It's used for making the cushions in automobiles or for chairs. So it's also used in making mattresses, etc. So we'll see now next poly special resins, that is polycarbonates. Now polycarbonates, which is an important one, is a condensation copolymer of diphenyl carbonate. See, diphenyl carbonate and bisphenol A. So you can see there, this is the diphenyl carbonate or you have bisphenol A. Bisphenol A, there's two phenols and with the CH3 group, so 2,2-bis-4 hydroxyphenol propane. The reaction occurs with the loss of phenol molecules. Here per iska oxygen, here iska hydrogen, this becomes a phenol and you will get the compound. That compound is called as polycarbonate. So iska loss hone ke baad ye dono compound condense ho jate hain and you will get the polycarbonate. So yahi aapka polycarbonate banta hai. And properties dekhe to obviously jo polycarbonates hai, they are used in the optical clarity. High optical clarity and they have a high impact and tensile strength over the wide temperature. So, its temperature range is also high. You can also make the bulletproof windows, sub-bulletproof windows, helmets, polycarbonate. It is also used for making the molded domestic warfare, housing for apparatus and electrical insulators. In electronics and electrical industries, even Lexan is also same polymers which is formed from diethyl carbonate and bisphenol A. So, bisphenol A is also very good polycarbonation for making the polycarbonates and epoxy resins. Next we will see the thiokol. Thiokol already we have discussed in previous lectures also. So thiokol is a condensation polymer which is obtained by the condensation of 1,2-dichloroethane with sodium polysulfide, Na2S4 ho gaya, in presence of magnesium hydroxide. So magnesium hydroxide presence mein kya hoga aapka? So ye dekh sakte ho, 1,2-dichloroethane plus Na2S2, yahan par Na molecules hai. So it will take the Cl from here and the sulfide will form this side. You can form the sulfide from that side also. And this is the linear polymers is called as the thiokol. So it is also called polysulfide rubber. It's called polysulfide rubber. What are the properties? It is inferior to natural rubber. Obviously, its property is also natural rubber. Se bhi bekar hoti hai. But they have an exceptional resistance to mineral oils, solvents, oxygen, ozone. So ye to obviously, natural rubber is bekar hoti hai. It is worst. It is inferior, but it has a very good resistance towards the mineral oil, solvent, oxygen, ozone. So, inse itka reaction nahi hota. Isliye wahan par thiokol ke is tarah ke areas mein iski uses hoti hai. So, dosto, aaj ke is lectures mein hum log ne formaldehyde reagents, uske special reagents ke baare mein padha. So, how was this video? So, please give some positive comments so that we can improve the good quality of video in the next coming lectures. Thank you very much.